खबर बीकानेर से है, जहां सर्वोदय बस्ती की एक निजी स्कूल के एक शिक्षक पर छात्राओं के ने बैड टच का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने शिक्षक को पकड़ लिया है। तो वहीं एडिशनल एसपी दीपक कुमार ने बताया कि टीचर ने बच्ची को गलत तरीके से टच किया। साथ ही बताया कि टीचर की 4 दिन पहले ही नियुक्ति हुई है। ऐसे में परिजनों ने स्कूल परिसर में ही शिक्षक के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। उसने बोला कि हमें पढ़ाने के लिए हमें डेमो देना है, तो हमने भी उसको रख लिया। भाई क्वालिफिकेशन थी उसकी, एमएससी होल्डर था, तो हमने भी उसको चांस दिया। तो आया एक दिन, पढ़ाया, बच्चों को पसंद आया। उसने बोला टीचर अच्छा पढ़ाता है, तो हमने बोला भाई 3 दिन डेमो होता है, तो हमने 3 डेज़ के लिए उसको डेमो पर रखा। सैटरडे को एक दिन शिकायत है कि भाई बच्चा, टीचर हमें मार रहा है हाथ से, तो हमने उसको वार्निंग दिया कि भाई यहाँ बच्चियों को मारना अलाउड नहीं है, आप हाथ से बिल्कुल भी नहीं मार सकते, टच नहीं कर सकते। तो उसने सॉरी बोला, बोला कि सर आगे से ध्यान रखूंगा। तो फिर ये बात होगी कि सैटरडे की, संडे बीच में गैप आ गया, मंडे को दोबारा पढ़ाने आया, तो उस दिन बच्चियों ने टीचर को छुट्टी में शिकायत की कि मैडम ऐसी ऐसी बात है, ये सर हमें ऐसे ऐसी जगह टच कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम इस पर एक्शन लेंगे और टीचर को रेस्टिगेट कर देंगे। हमने पुलिस थाना मुक्ता प्रसाद क्षेत्र की घटना है, दिनांक आज से 2 दिन पहले 25 तारीख को ये घटना हुई थी। थाने पर इतला मिली थी किसी स्कूल में झगड़ा हो रहा है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंचकर और उस टीचर को थाने